चार पांच साल पहले जब यूट्यूबर बन रहे थे वो जद्दोजहद जो भी लोग यूट्यूब पर आए इवन उस टाइम पर उसमें से किसी को भी नहीं पता था कि हम आगे चल के इसको एज अ करियर लेंगे तो मैंने क्या किया मैं जब भी नाना जी के घर जाता था तो वो मुझे हर बार सौ रुपए देते थे तो उसने मुझे बताया तुझे पता है यूट्यूब से भी पैसे सकते अब जैसे ही डाली तो उसमें कुछ खास व्यूज नहीं आया क्योंकि यार ऑडियंस के लिए वो यूजफुल सही तो जब मेरा एल एल बी कम्प्लीट होने वाला था तो उस टाइम पर मैं लगभग डेढ़ लाख रुपए महीना कमा रहा था कौन सा ऐसा टाइम था जब आपको लगा यार मेरा फाइनेंस में मेरा चैनल चल गया और मुझे इसी पे काम करना चाहिए टाइम टाइम लेकिन जिस पर मैं ये सिखाना चाह रहा था ना उस टाइम पर लोग इसे सीखना नहीं चाहते okay. मैंने एक ऐप बनाया था चार लाख रुपए लगाए थे अच्छा उसमें मुझे लॉस हुआ स्किल वाले जोन में कितना कमा लेते होंगे सर वो और मैं एक छोटी चीज आपसे जानना चाहता हूँ कि एज अ फाइनेंस क्रिएटर उनके टाइप्स ऑफ वे कितने तरीके से वो पैसे बना सकते हैं हाई एवरी वन वेलकम टू वी मे क्रेटर्स और आज हमारे साथ है नीरज जोशी सबसे पहले तो वेलकम आप हमारे इस चैनल पे आए और इंस्टाग्राम पे तो आप बहुत रहते हैं सर <laughs> लेकिन आप हमारे चैनल पे भी आए इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका थैंक यू so बोले much. तो चरण छूलू है आपके <laughs> और बड़ा आप जो लोग इंस्टाग्राम पे हम दोनों को फॉलो करते तो देखा यार हमने आपस में बहुत मजे लिए हैं तो मैंने सोचा की इसको इतना ज्यादा सीरियस नहीं बनाते हैं लेकिन जो इन्होंने काम किया है बीते चार सालों में लाइक यूट्यूब पे वो सच में सराहनीय है आप देखें तो लाइक टू मिल ढाई मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है और साढ़े से भी ज्यादा इन्होंने वीडियो अपने चैनल पर डाली है सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हाँ, लोगों को बहुत सारी एक इन्फॉर्मेशन आपके थ्रू मिली है मैं कई ऐसे अन लोगों से मिला हूँ इनफैक्ट मैं आपको सच बताता हूँ कई मैं झूठ बोलता नहीं क्रिएटर से पॉइंट ऑफ व्यू से और मुझे किसी बंदे ने भेजा कि सर मैं ना इस बंदे का बड़ा फैन हूँ अच्छा। तब आपकी ना वॉइस ओवर वीडियो आती थी, थी नीरज जोशी हाँ, पहले मैं वॉइस ओवर तो मैंने सुना तो बड़ा मिच्योर सा बंदा लगा कि कोई

चार पांच साल पहले जब यूट्यूबर बन रहे थे वो जद्दोजहद वो कैसी थी थोड़ा सा शेयर करवा सो so, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच अमरीश भारती जी आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया और मौका दिया कि मैं आपके चैनल पे आके आपकी ऑडियंस से इंटरेक्ट कर पाऊँ So, जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि पांच सात साल पहले देखिए जब भी हम यूट्यूब पे आए थे जो भी लोग यूट्यूब पे आए इवन उस टाइम पर उसमें से किसी को भी नहीं पता था कि हम आगे चल के इसको एज अ करियर लेंगे सो ये कोई भी नहीं जानता था तो मैंने भी जब मैं एक स्टूडेंट था तो मैं सोच रहा था कि यार कहाँ से पैसे कमाए जा सकते हैं मतलब क्या ऐसा होगा कि यार मैं थोड़े बहुत पैसे भी कमा सकूं दो हजार चार हजार भी अपनी जेब के आएंगे ना और अपनी जेब के पैसे खर्च करूंगा तो जो खुशी मिलेगी और उस चीज के लिए मैंने सोचा था कि यार पैसे कमाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं तो जब मैं उन तरीकों को मैंने ढूंढना शुरू किया तो सबसे पहली चीज मेरे सामने निकल कर आई वो थी स्टॉक मार्केट अब स्टॉक मार्केट सामने आ गया था मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था लेकिन स्टॉक मार्केट पर इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए था मुझे पैसे तो वो पैसे मेरे पास कहां से आते हैं तो अब मैं उस चीज की तलाश में लग गया कि यार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तो करना है तो अब पैसे लेकर कहां से हूं वैसे आपको एक कहानी सुनाता हूँ मुझे डीमेट अकाउंट खुलवाना था तो अब मैं पेरेंट्स से बोलता कि डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो वो बोलते यार तेरे को लॉ करने भेज रखा है <laughs> और तुझे डीमेट अकाउंट खुलवाना <laughs> है ट्रेडिंग करनी है तो वो सब चीजें तो मैंने क्या किया मैंने अपने नाना जी मेरे घर के थोड़ा पास ही रहते हैं मतलब ज्यादा दूर भी नहीं तो मैं आते जाते आ, उनके घर में चला जाता था तो जब भी उनके घर जाता था तो वो मुझे सौ रुपए देते ऐसा नहीं कहूंगा कि यार मुझे घर से सौ रुपये नहीं मिल सकते थे लेकिन क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि मैं घर वालों से स्टॉक मार्केट के लिए पैसे लूं तो मैंने क्या किया मैं जब भी नाना जी के घर जाता था तो मुझे हर बार सौ रुपए देते थे <laughs> तो मैंने ऐसे करके एक महीने में पांच छह चक्कर मार लिया नाना जी के घर में और ऐसे करके मैंने छह सौ रुपए इकट्ठा किए थे और तब जाके अपना पहला डीमेट अकाउंट खोला था तो इस तरीके से मैंने डीमेट अकाउंट तो खोल लिया अब चाहिए थे इन्वेस्ट करने के लिए पैसे तो वो पैसे कहाँ से आते तो अब मैं तलाशने शुरू कर दिया मैंने तरीके की कहाँ से मेरे पास पैसे आ सकते हैं तो जब ऐसी चीजें ढूंढ रहा था तो मैं अपने एक दोस्त से मिला उसने मैं उससे मिलके जब वापस निकल ही रहा था ना तो उसने मुझे बताया यार तुझे पता है यूट्यूब से भी पैसे कमा सकते हैं मैंने कहा यूट्यूब से पैसे ये 2016 की बात है उस टाइम पर जियो नहीं आया था हाँ। मतलब मार्च के आसपास की बात हो जियो उस टाइम पर नहीं आया था मैंने कहा कैसे बोला यार पता नहीं पर कमाते हैं ऐसा मैंने सुना

तो उस टाइम पर मुझे समझ आया कि यार लोग ना दो चीजें लाइफ में चाहते हैं पहला है पैसा और दूसरा है प्यार अब देखो ऐसा पैसा तो उस टाइम पर मेरे पास भी नहीं था कि मैं लोगों को पैसे कमाना सिखाऊं मैं तो खुद पैसे कमाने की तलाश कर रहा था तो जब मेरा एलएलबी कंप्लीट होने वाला था तो उस टाइम पर मैं लगभग डेढ़ लाख रुपए महीना कमा रहा था तो ये उन्नीस की बात है तो अब यार और कॉलेज में जब प्लेसमेंट्स वगैरह हो रही थी तो वो बहुत कम थी हिसाब से किसी को पैकेज मिल रहा होगा यहाँ पे महीने का चल रहा है तो वो ऐसा ही चल रहा था तो फिर अब ये टाइम आ चुका था तो अब क्योंकि मेरे पास पैसे आ रहे थे और ये था कि जो भी मेरे पास पैसा आता था मैं एक रुपया भी खुद पे खर्च नहीं करता था और खर्च करता तो फिर घर वालों को भी पता चल जाता तो ये भी एक डर था घर में बता नहीं रखा था ऐसा तो फिर मैंने जो भी मेरे पास पैसे आते थे वो सारे पैसे मैं इन्वेस्ट करता था और जनरली मैं उस टाइम पे लार्ज कैप स्टॉक्स को ही प्रेफर करता था okay. क्योंकि सीख रहा था जो right. चीजें पता चलती थी और उस टाइम पे इंटरनेट में भी इतनी चीजें इजीली अवेलेबल नहीं होती थी 2016 हजार सोलह सत्रह अठारह की डॉक्टर आने लगी अब हम ही सिखाने लगे हैं तो, तो अब अपना एक्सपीरियंस भी हो चुका है दो हजार से लेकर सात आठ साल का एक्सपीरियंस हो चुका है तो तब से सीखना शुरू कर दिया था लेकिन सीखता हमेशा रहता था और ये एक चीज होती है ना अपना लॉ पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई है एक मन से जो सीख रहा है ना इंसान एक बार पढ़े ना वो याद हो जाता है तो वो सब चीजें सीख रहा था उनको प्रैक्टिकली अब अप्लाई करने के लिए पैसे आ रहे थे तो इन्वेस्ट भी करता जा रहा था इस तरीके से मैंने अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू की ओके okay. परफेक्ट मतलब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दोस्तों से पैसे अर्निंग की चाहत में और ये मुझे लगता है कि बहुत से लोग आपसे रिलेट कर पाएंगे क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट उनको भी पैसे की जरूरत होती है और कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी वो भी ढूंढ रहे होते हैं तो जब आप जब आपने जब ये सारी चीजें करी और एक YouTube का चैनल कौ, कौन सा ऐसा टाइम था जब आपको लगा यार मेरा फाइनेंस में मेरा चैनल चल गया और मुझे इसी पे काम करना चाहिए टाइम कुछ होगा देखिए मेरा मन में हमेशा परपस था कि जब मैंने इतनी सारी चीजें सीख ली तो मैं चाह रहा था कि अब मैं भी लोगों को सिखाऊं लेकिन उस टाइम पर okay. मैं okay. तो ये फाइनेंस में चैनल तो बनाया मैंने टू में चैनल बनाया तो थोड़ी थोड़ी ही वीडियोस में डालता था और रिस्पॉन्स नहीं मिलता था क्योंकि ऑडियंस उतनी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी okay. बट धीरे धीरे फिर भी मैं इसमें बुक समरी से रिलेटेड डालता था और कुछ चीजें डालता था जो एजुकेशन से रिलेटेड क्योंकि मेरा एक तो सिखाना था, दूसरा खुद भी अर्न करना था ताकि मैं इन्वेस्ट कर पाऊं। मेन इन्वेस्टिंग और <laughs> स्टॉक मार्केट ही था okay, बट वही था कि nice. पैसे तो चाहिए ना <laughs> कहीं ना कहीं से तो कमाने पड़ेंगे ऊपर से कॉलेज स्टूडेंट है उसको कॉलेज जाके पढ़ाई भी करनी है तो वो जो जो कर सकता मैंने वेबसाइट भी बनाई है मैंने ऐप भी बनाया है मैंने ऐप बना के फेल भी हुआ हूँ मैंने एक ऐप बनाया था चार लाख रुपए लगाए थे उसमें भी मुझे लॉस हुआ और उस टाइम पे भी चार लाख यार बड़ा था बहुत भी बड़ा है। बहुत है। बड़ा मैं कभी ये नहीं मान के चलता कि जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ वो आपको पहले से पता है अगर मैं कोई एक वर्ड भी बोल रहा हूँ मैंने पी रेशियो भी बोल दिया तो मुझे पहले उस बंदे को समझाना है ये पी रेशियो क्या है तो मैं आम भाषा में क्योंकि लोगों को समझाता था कि हर एक टॉपिक के बारे में तो वो चीजें लोगों को पसंद आती थी और लोगों को समझ आ रही थी तो समझ आ रही थी तो हमारे दीरे -दीरे बढ़ते गए और आज हमारी जो फैमिली मुझे एक चीज समझ आई आपकी बातों से कि कहीं ना कहीं खुद को सीखना बहुत जरूरी है दूसरों को सिखाने के लिए तो आप सीखते रहे भले आपका जो एक प्रायोरिटी गोल था वो जो बच्चों वाला प्रायोरिटी गोल था कि आप मुझे पैसे लाने भाई पहले तो फिर मैं सीखूंगा लेकिन कहीं ना कहीं उसमें आप सीखने पर ज्यादा ध्यान देते थे और इससे मेरे को एक बेनिफिट और हुआ कि क्योंकि जब मैं सीख रहा था ना तो मेरी जब मैं पैसे नहीं थे तो मैं पैसों को इन्वेस्ट कर, करता कहां पे और मेरे को जब पैसे मेरे पास आए तो आराम से मैं दो तीन साल सीख चुका सीख था। चुके था। तो उसमें मेरे को एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया था तो मुझे शुरू में बहुत ज्यादा नहीं खाने मिले हाँ मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे शुरू में ही बहुत अच्छा रिटर्न मिल गए क्योंकि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ जब आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो उसमें आपको पेशेंस चाहिए अब जनरली अभी लोग आते हैं उन्हें लगता है यार पैसे डालूंगा मेरे पैसे डबल क्या होंगे सबसे पहले लोगों का क्वेश्चन है पैसे डबल करवाओ तो बट वो गेम ही नहीं है डबल वाला तो गेम ही नहीं है खैर उन चीजों में खैर वो ये फाइनेंस वाला नहीं इनकी सक्सेस स्टोरी हम ज्यादा जानना चाहते हैं तो अभी अभी आपने एक बात कही कि उस टाइम चार लाख बहुत ज्यादा थे तो मुझे उस टाइम इनके लिए ज्यादा <laughs> तो, अब मैं जानना चाहता हूं कि एज अ फाइनेंस क्रिएटर अगर किसी के चैनल पे ढाई मिलियन सब्सक्राइबर्स हो साढ़े तीन डाल चुका हो और बहुत पॉपुलर इंडिया में हर फाइनेंस में उनका टॉप फाइव में नाम आता हो इन्वेस्टिंग और इन चीजों में स्किल वाले जोन में कितना कमा लेते होंगे सर वो <laughs> कमाई इतनी हो जाती है कि अपना गुजारा निकल जाता है अपनी जो टीम है अपना ऑफिस है उन सबका खर्चा निकल जाता है और ऐसा है अपने लिए भी बच जाता है ऐसा नहीं है बाकी मेन है कि हम अभी सिखाने पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं अभी हमने कोर्स भी बनाया है। कोर्स प्रमोट नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल बाय बाय मत कीजिएगा कीजिएगा नहीं नहीं बिल्कुल, नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल <laughs> <laughs> रिक्वेस्ट कर लेकिन हाँ। उसमें हमने उस कोर्स को बनाने में महीने लगाए और छह महीने लगाकर हमने जितना चीजें खुद जानते थे वो तो सीखा ही लेकिन इसके लिए और चीजें हमने गेन की और और, और ज्यादा रिसर्च करी और ज्यादा बुक्स को हमने लिया और उसके बाद जाके उस कोर्स में हमने डाला ताकि लोग सीख पाए परफेक्ट परफेक्ट बहुत बढ़िया और मैं एक छोटी चीज आपसे जानना चाहता हूँ कि एज अ फाइनेंस क्रिएटर उनके टाइप्स ऑफ वे कितने तरीके से वो पैसे बना सकते हैं एज अ फाइनेंस क्रिएटर आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं जैसे मेन आपके पास यूट्यूब में भी अच्छा खासा रेवेन्यू आपका बन जाता है लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आप यूट्यूब से ही पैसे कमा रहे हैं मैं आपको बताऊं जितना मैं यूट्यूब से आज कमाता हूं उतना ही मेरा एक्सपेंसेस भी है मेरी जो टीम है जो लोग रिसर्च कर रहे हैं क्योंकि फाइनेंस में अगर आपके पास आप खुद हर काम नहीं कर सकते आपको टीम की जरूरत पड़ेगी आपके पास एडिटर्स की जरूरत पड़ेगी अब जो एडिटर्स होंगे उनको भी आपको फाइनेंस की नॉलेज देनी पड़ेगी क्योंकि आप पी रेशियो बोलोगे उसको नहीं समझ आ रहा मैं पीई रेशियो की बात करता हूं तो कोई और वर्ड समझ सकता है उसका या मैं डेट टू इक्विटी रेशियो बोलूंगा तो उसको नहीं समझ आ रहा है आपको बिठा बिठा के हर एक चीज सिखानी पड़ेगी तो उसमें आपको उनको अमाउंट भी अच्छा रौ, खासा रौ, देना पड़ता है।, है तो आपकी जो टीम है उस पर भी खर्च होते हैं तो यूट्यूब से हमारा जो भी रेवेन्यू होता है वो खर्च हो जाता है इसके अलावा फिर हम कोर्सेज वगैरह करते हैं तो इससे भी हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है तो ऐसे इसके अलावा भी अफिलियट के थ्रू काफी अर्निंग हो जाती है तो बहुत सारे तरीके हैं हर कैटेगरी में YouTube में अपने-अपने अलग-अलग तरीके हैं तो फाइनेंस में भी बहुत सारे तरीके हैं। तो जो भी आपने कोर्सेज की बात करी मैं जानना चाहता हूँ ये कोर्सेज एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है खुद का एप्लीकेशन बनवाना और उस पे यू नो उसके लिए टीम रखना सो ये सब कैसे आपने किया बाकी लोग हम क्योंकि अगर आप कोर्स बनवाएंगे तो इसके लिए क्या करना होगा आपको ऐप भी एक चाहिए क्योंकि हो सकता है आप कोर्स डालेंगे तो आपने छह महीने मेहनत करी आपकी एक टीम ने मेहनत की है उसने टाइम दिया उस पर आपका इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा हुआ होता। लोगों को लगता है कि यार कोर्स बनाया ना क्या है, <laughs> ही तो है? <laughs> लेकिन इसमें उसमें जो नॉलेज डाली गई है एक नॉर्मल वीडियो और उसके लिए जो नॉलेज डाल के रिसर्च डाल के और जो टाइम दिया गया है जो एडिटिंग पे खर्च किया गया वो एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है

वही लोग इस चीज को संभालते हैं परफेक्ट परफेक्ट तो मतलब ये बात एज अ क्रिएटर समझनी चाहिए कि यार प्लेटफॉर्म के पीछे नहीं भागना चाहिए जो हमारा स्किल्स जो हम सिखाते हैं हमें उस पर ध्यान देना चाहिए राइट सर बिल्कुल बहुत जिस काम में आप परफेक्ट हो उस काम को करो बाकी जो भी आप आउटसोर्स कर सकते हो जैसे अगर मैं खुद बैठ के एडिटिंग करने लग जाऊंगा तो फिर मेरा टाइम जो मैं लोगों को सिखाने में कर सकता था खुद अपनी नॉलेज को एनहेंस करने में जो मैं टाइम इन्वेस्ट कर सकता था वो सब काम मैं नहीं कर पाऊंगा वेरी नाइस सो कुछ ऐसे टूल्स जो आप रिकमेंड करे कि जब भी आप फाइनेंस का यूट्यूब चैनल शुरू करें तो कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनका आपको यूज करना चाहिए देखिए सबसे पहली चीज है कि अगर आप फाइनेंस का चैनल शुरू करने जा रहे ना तो पहले देखो अपनी नॉलेज को बहुत ज्यादा आपको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि फाइनेंस एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप गलती का कोई भी नहीं। चांस नहीं रख सकते क्योंकि लोगों आप... के पैसे डूब जाते हैं आपने कोई डिसीजन दिया उसमें लोग लाखों रुपए लगा देते हैं बिल्कुल वैसे तो मैं कहूंगा नहीं कि आपको किसी को सजेशन देने चाहिए क्योंकि वो आगे चल के आपको प्रॉब्लम आ सकती है लेकिन जब आप सिखा भी रहे हैं उसमें भी अगर आपने एक छोटी सी गलत चीज किसी को सिखा दी और आप बहुत सारी वीडियोस बना रहे हैं तो आपसे छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं लेकिन अगर आपने छोटी सी भी गलती करके किसी को कुछ बता दिया तो वहां पर हो सकता है सामने वाले का लाखों का नुकसान हो जाए तो आपको बहुत ज्यादा अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्यूरेट रखना होगा और उसको बार बार चेक करना होगा कि कहीं पर आपसे कोई भी गलती ना हो जाए तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है उसके बाद अगर आप अब वीडियोस बनाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनका यूज करना होगा जैसे अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग के लिए आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिखाने होंगे चार्ट पैटर्न्स दिखाने होंगे तो इसके लिए ट्रेडिंग व्यू करके एक वेबसाइट है बहुत ज्यादा पॉपुलर है आप उसका यूज कर सकते हैं अगर आप स्टॉक्स को स्क्रीन करना चाहते हैं तो इसके लिए एक टिकट एप है इसके लिए अगर आप ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को स्क्रीन करना चाहते हैं तो फिर चार्टिंग एक वेबसाइट है स्क्रीनर एक वेबसाइट है इसके अलावा सेंसिबल भी एक वेबसाइट है तो ऐसी बहुत सारे टूल्स है जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी वेरी नाइस सर बहुत बढ़िया मतलब मुझे लगता है कि आपने हमने तीन चार चीजों पर बात करी जो लोगों को काफी समझ आया पहला जब हम बैक से जाए तो उनको टूल सारे बता दिए आपने किस किस तरीके से वो पैसा बना सकते हैं आपने ये बताया एक आपने ये भी चीज सिखाई कि यार आ, अगर आपको फाइनेंस में जाना है तो जरूरी नहीं है आपको कॉमर्स लेना पड़ेगा पहले पड़े। फिर आप फिर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना पड़ेगा है ना जो कि एक अलग स्ट्रीम है अगर के बाद ही करें वो एक अलग जोन है वैसा भी नहीं है आपने आई थिंक आ... मैंने सब 12th मैंने सबसे पहले के साथ किया okay. उसके बाद मैंने किया है जो की फाइव ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स था उसके बाद मुझे ना अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मुझे एक साल की और जरूरत थी तो मैंने कहा एक साल एल कर लेता हूँ ताकि मैं अपने बिजनेस पर फोकस कर पाऊंगा तो मैंने साथ में एल भी किया और तो मैं एल की पढ़ाई कर रहा था लेकिन फाइनेंस भी पढ़ रहा था और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपने जिस चीज की पढ़ाई की हो या आपने पढ़ाई ना भी की हो तो आप स्टॉक मार्केट नहीं सीख सकते अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा होगी तो आप कुछ भी सीख सकते हो आप रॉकेट भी बना सकते हो <laughs> और अगर आप देखो तो मस्क क्या करता है हर देखो। बार बिजनेस चेंज करता है पहले बहुत पढ़ता है बिजनेस उसने खड़े करे सारी चीज चाहे वो स्पेस एस हो या लाइक टेस्ला में उसने इन्वेस्ट किया हो तो बहुत बढ़िया थैंक यू सो मच नीरज भाई की आप हमारे इस चैनल पे आए और मुझे बहुत अच्छा लगा जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स को कुछ भी अगर कहना चाहें उनके लिए वेल्यूबल सो so, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच भाई आपने मुझे बुलाया क्योंकि बहुत लंबे टाइम से मुझे लगता है चार पांच साल से मैं आपकी वीडियोस देखता हूं मैंने ये जो स्टूडियो जहां पर <laughs> हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं इस स्टूडियो को भी बहुत बार वीडियोस में देखा है लेकिन आपके सामने आज मैं वीडियो बना पा रहा हूं इस स्टूडियो में तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है दूसरा अभी हमने एक रील भी बनाई है आप जाके भाई के चैनल पे जरूर देखिएगा वो रील आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करना मेरे साथ इन कोलाबोशन में आप डाल देना हैं इंस्टाग्राम पे बाकी इंस्टाग्राम पे भाई को भी फॉलो कर लीजिए मुझे हाँ। भी फॉलो कर लीजिए क्योंकि हम दोनों इंस्टाग्राम में वैसे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है <laughs> लेकिन हम इंस्टाग्राम में लड़ाई बहुत करते हैं क्योंकि हमने देखा है की जो फाइट वाली लोगों में अट्रैक्शन बना के रखते है लोगों में ज्यादा देखते हैं इसलिए थैंक यू सो मच नीरज भाई की आपने इतना वैल्यूबल वैल इन्फॉर्मेशन शेयर करा आई होप लोगों को बहुत अच्छा लगा कॉमेंट करके बताइए और इनके चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करिए थैंक यू भाई के चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसके साथ ही थैंक यू सो मच